हरे कृष्णा, वेलकम टू व्यासा एस्ट्रो चैनल। दिस इज़ नवनीत कमिंग अप विद अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, शनि ट्रांजिट 2017। 26 जनवरी 2017 को शनि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि पिछले 2.5 साल से वृश्चिक राशि में थे और अगले 2.5 साल धनु राशि में रहेंगे। तो अब आज हम दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट समझेंगे। पहला कि शनि किस तरह से सभी राशियों के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे और किस तरह से साढ़े सती को भी इफ़ेक्ट करेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि हम ये समझें कि शनि क्या है, और दूसरा हम ये समझें कि धनु राशि क्या है। इससे पहले 1987 के अंदर, तकरीबन मार्च 1987 के अंदर शनि धनु राशि में प्रवेश किए थे और 20 मार्च 1990 तक उसमें रहे थे। अगर मैं और हिस्ट्री में जाऊं तो 1958 के अंदर शनि धनु राशि में आए थे और 1961 तक ये धनु राशि में रहे थे। आज 2017 क्या इफेक्ट होगा अगले 2.5 साल के अंदर और कब तक शनि इसमें रहेंगे? देखिए, इस बार जो शनि का पीरियड है, जो गोचर का पीरियड है, तकरीबन 3 साल का है, क्योंकि इसमें शनि काफ़ी बार वक्री होंगे, वापस वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में आएंगे। तकरीबन 21 जून 2017 को ये 4 महीने के लिए फिर से स्कॉर्पियो राशि में आ जाएंगे और 26 अक्टूबर 2017 को ये वापस धनु राशि में चले जाएंगे। इस तरह से ये जो पीरियड है, ये 2.5 साल की जगह अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का हो जाएगा। इसमें शनि 2018 के अंदर भी वक्री होंगे और 19 के अंदर भी थोड़े समय के लिए वक्री होंगे। जैसे मैंने पहले बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि शनि क्या है। हमारी ज़िंदगी के अंदर शनि सिक्योरिटी है, शनि श्योरिटी है। हम सब लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं श्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और जब ये गुरु की राशि, जो कि धनु राशि है, उसमें आएंगे तो गुरु क्या है? गुरु रिलीजन है, गुरु स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत से, अब शनि एक डिसिप्लिन है, जब शनि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के साथ आ जाते हैं तो ये एक डिसिप्लिन्ड रिफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे कि अगले 2.5 साल के अंदर बहुत से रिफॉर्म्स होंगे, बहुत से जातक, बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, रिलीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी कर सकते हैं, शनि उसमें डिसिप्लिन लेकर आएंगे। आपकी योगा की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान होगा। हम हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी शनि से देख सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत से रिफॉर्म्स भी देखेंगे, स्पेशली इन मेडिकल साइंस। इस ट्रांजिट के अंदर बहुत से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी होंगे। जैसे अगर आप देखें कि अमेरिका के अंदर या भारत के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, बहुत से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बहुत से बिल पास हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड की तरफ, ये जो ट्रांजिट है उसकी तरफ ही लेके जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि जिनका लिब्रा मून है, जिनका चंद्रमा तुला राशि में है, उनके लिए साढ़े सती ख़त्म हो रही है। साढ़े सती के बारे में बता दूं मैं कि जब शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हुए
7.5 साल का टाइम कवर करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो चंद्रमा है वो तुला राशि में है, तो 2.5 साल तुला से पहले जो कन्या राशि है उसमें शनि रहेंगे, फिर 2.5 साल तुला में रहेंगे, और तुला के बाद 2.5 साल वो वृश्चिक में रहेंगे। तो 7.5 ईयर का वो पीरियड कवर करके जब चंद्रमा के ऊपर से निकलते हैं तो उसे साढ़े सती कहा जाता है। साढ़े सती के 3 ढैये, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशली इफेक्ट करते हैं। जो पहला ढैया होता है दैट इफेक्ट्स यू मेंटली, जो दूसरा ढैया होता है वो फिजिकली इफेक्ट करता है, और जो तीसरा ढैया होता है वो फाइनेंशली इफेक्ट करता है। तो तुला मून, जिनका चंद्रमा तुला राशि के अंदर है, उनका लास्ट ढैया आज खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, दे विल बी रिलैक्स्ड। उनकी साढ़े सती आज खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जिनकी वृश्चिक राशि है, माफ कीजिएगा, वृश्चिक राशि नहीं, जिनका चंद्रमा वृश्चिक है, उनका लास्ट ढैया शुरू हो जाएगा। तो वो जो 5 साल का पीरियड आप गुजार के आए हैं, जिसमें आपने बहुत से चैलेंजेस देखे ज़िंदगी के अंदर, और बहुत सी कठिनाइयाँ आपने देखी, और आपने ज़िंदगी के असली मायने सीखे, उसका अब ये लास्ट जो है ये ढैया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है। इसके अलावा जो सेजिटेरियस मून है जिनका, उनका दूसरा ढैया शुरू हो जाएगा। तो दूसरा ढैया जो है वो फिजिकल जो है चैलेंजेस लेकर आता है। तो इसमें आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स योगा, एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। और जिनका एक्वेरियस मून है, मकर राशि के अंदर चंद्रमा है, उनका पहला फेज स्टार्ट होगा। तो वो जो पहला ढैया है दैट बी यू नो गिव्स यू मेंटल चैलेंजेस, सो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो पहला ढैया है जो मेंटली इफेक्ट करता है उसमें आप आसानी से गुजर सकें। जब मैं बात कर रहा था लिब्रा मून की, तुला राशि में जिनका चंद्रमा है, जैसे मैंने बताया कि उनकी साढ़सती जो है आज खत्म हो रही है, लेकिन जैसे जो शनि है ये वापस आएंगे स्कॉर्पियो राशि में 4 महीने के लिए, 21 जून 2017 से अप्रॉक्सीमेटली 26 अक्टूबर 2017 तक वक्री होंगे शनि, रेट्रोग्रेड होंगे, तो उनकी तुला राशि वालों की साढ़े सती 4 महीने के लिए वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी शनि रेट्रोग्रेड होते हैं वो साढ़े सती के अंदर अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, स्पेशली जब वो एक राशि से दूसरी राशि में रेट्रोग्रेड होके या वक्री होके वापस आते हैं। तो तुला राशि वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शनि वापस भी आएंगे और आपकी साढ़े सती 4 महीने के लिए फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगी। इसी के साथ साथ मैं ये भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक्वेरियस, मकर और कुंभ जो है, मकर और कुंभ शनि के अपने साइन है, तो अगर मकर राशि वालों का पहला ढैया शुरू हो रहा है और मकर राशि के स्वामी खुद शनि हैं, तो मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को साढ़े सती इतना इफेक्ट नहीं करती है। आपकी साढ़े सती में एक्चुअली ग्रोथ होती है, आपको चैलेंजेस के साथ सफलता मिलती है, और 7.5 साल में आप बहुत कुछ सीखते हुए काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। एक बात तय है कि शनि किसी का नुकसान नहीं करते हैं, शनि हमेशा लेसन्स सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो हार्डर वे से सिखाते हैं, मुश्किल वे से सिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से क्रूर प्लैनेट हैं। मैं शनि को बेहद पसंद करता हूँ,
क्योंकि जिंदगी के अंदर शनि ने बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई जिससे मैं एक्चुअली ग्रो हुआ। अगर मैं आपको पर्सनली अपना कुछ बताऊं तो मेरा चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और मैंने पिछले 5 साल में शनि के दो ढैये देखे हैं और मैं तीसरे और फाइनल ढैये में हूँ जो आज ट्रांजिट में शुरू हुआ है। तो इन 5 सालों के अंदर आई हैव ग्रोन माई सेल्फ साइकोलॉजिकली एज वेल एज मेंटली। आई हैव सीन सो मैनी चैलेंजेस बट विद दी ग्रेस ऑफ गॉड आई नेवर गॉट डिफीटेड। सो वो एक शनि की ब्यूटी है कि आपकी अगर 7.5 शुरू भी हो रही है, स्पेशली जिनका कैप्रिकॉन मून है, तो उसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आप हनुमान जी की आराधना करें, आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ट्रस्ट मी, आपको इन 7.5 सालों में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो ये जो ट्रांजिट है 26 जनवरी 2017 का, ये आने वाले 2.5-3 साल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इसके साथ मैं आपसे विदाई लूँगा और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप YouTube के अंदर मेरा चैनल है व्यासा एस्ट्रो चैनल, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल।